कृतिका सुसाइड मामले में आरोपी हरियाणा के पूर्व गृह मंत्री गोपाल कांडा ने राज्यपाल से मुलाकात की। सिरसा से विधायक गोपाल कांडा ने सरकार से समर्थन वापसी का पत्र राज्यपाल को सौंप दिया है। कांडा ने बतौर निर्दलीय प्रत्याशी हुड्डा सरकार को समर्थन दिया था। आपको बता दें कि गोपाल कांडा पहले हरियाणा लोकहित पार्टी के नाम से एक नई पार्टी बनाने का ऐलान कर चुके हैं। हालांकि पार्टी की औपचारिक घोषणा 2 मई को होगी। प्रेस कॉन्फ्रेंस कर हुड्डा सरकार पर फोन टैपिंग आरोप लगाने के साथ ही और उन्होंने कहा कि 10 साल में कांग्रेस ने कोई काम नहीं किया है। गोपाल कांडा ने कहा कि उनकी पार्टी हरियाणा के लोगों को एक नया विकल्प देगी। बता दें कि हरियाणा के पूर्व गृह मंत्री गोपाल कांडा ने अपना समर्थन वापसी का पत्र राज्यपाल को सौंप दिया है। सरकार से उन्होंने समर्थन वापस ले लिया है। उनका कहना है कि उनकी पार्टी हरियाणा के लोगों को एक नया विकल्प देगी। आपको बता दें कि गोपाल कांडा ने एक नई पार्टी बनाने का ऐलान किया है, जिसको लेकर औपचारिक घोषणा 2 मई को की जाएगी। इस मामले में प्रेस वार्ता करते हुए उन्होंने कहा कि उनकी पार्टी हरियाणा के लोगों में एक नया विकल्प पैदा करेगी, हरियाणा के लोगों को एक नया विकल्प देगी। साथ ही उन्होंने कांग्रेस सरकार पर भी आरोप लगाए कि कांग्रेस सरकार ने कोई काम नहीं कराया है। आपको बता दें कि गोपाल कांडा गीतिका सुसाइड मामले में आरोपी हैं और वो जेल में भी रहे थे, लेकिन अब जिस तरह से अपनी आने वाले विधानसभा चुनावों को लेकर उन्होंने अपनी गतिविधियां तेज कर दी हैं और निर्दलीय विधायक के रूप में उन्होंने सरकार को समर्थन दिया था, उस समर्थन को उन्होंने वापस ले लिया है और अपनी एक नई पार्टी बनाने का ऐलान किया है, जिसकी औपचारिक घोषणा 2 मई को होगी। साथ ही उन्होंने सरकार पर फोन टेपिंग के आरोप लगाए। क्योंकि मैं 2 मई को बहुत ही शुभ दिन है, अक्षय तृतीया, वो गुड़गांव अपनी पार्टी का जो मुख्यालय बनाया है, अपनी पार्टी जो मैं बना रहा हूँ इस प्रदेश को, जिसे एक बहुत वर्षों से जिस विकल्प की तलाश थी हरियाणा प्रदेश को, वो मैं बनाने जा रहा हूँ। मैंने जो हरियाणा सरकार चल रही है हमारे मुख्यमंत्री चौधरी भूपेंद्र सिंह जी हुड्डा के नेतृत्व में, उनसे आज मैंने अपना समर्थन वापस ले लिया है। राज्यपाल महोदय को मैंने अपना समर्थन का पत्र दे दिया कि इस सरकार से मेरा कोई भी रिश्ता नहीं है और मैं अपना समर्थन वापस लेता हूं। मैं इस सरकार में कोई भी मंत्री, कोई भी एमएलए सिर्फ नाम का है, इसीलिए मैंने आज से 4 साल पहले गाड़ी छोड़ दी थी, आप लोगों को मालूम हो तो।